चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैलकुलेट मीन एंड मीडियन, कैलकुलेट मीन एंड मीडियन बच्चों, ओके। मैंने सम क्यों कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एक दो बच्चों को अभी भी थोड़ा CF का प्रॉब्लम है, ओके। मैं उम्मीद करूँगा कि इसके बाद क्लियर हो जाएगा उसको। सिमरन जी आप थोड़ा ध्यान से देखना। अब बच्चों मीन एंड मीडियन दोनों एक ही क्वेश्चन बोला है बच्चों, बट वी विल थिंक लाइक टू डिफरेंट क्वेश्चन बच्चों, ओके। मीडियन भूल जाओ, पहले मीन पे कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों। क्या था बच्चों, x दिया है और f दिया है ना बच्चों, x एंड f, वी गॉट 2.5, देन 5.0, देन 7.5 बच्चों, देन 10.0 है, 12.5 एंड देन 15.0 बच्चों, राइट बच्चों, 3, 9, 6, 4, 2, 5, ओके बच्चों। तो पहले आप fx फाइंड करो बच्चों। क्या करते हैं बच्चों, हम लोग fx फाइंड करते हैं ना, 25 3 जा 75, दैट इज 7.5 बच्चों, 9 5 जा 45, 75 6 जा बच्चों कितना आएगा, 450 बराबर बच्चों, 6 5 जा 33, 6 42 45, ये कितना आ गया बच्चों, 40, ये आ गया 25, ये आ गया 75, ओके बच्चों, fx। अब fx का टोटल करना बच्चों, कर लो टोटल, 5 7 5 12 17 17 and 10 27 2 10 10 16 23, बच्चों इसका भी टोटल करते हैं बच्चों हम लोग, 12 18 24 22 24 29, ठीक है इतना। तो क्या आएगा बच्चों, समेशन f, और हम लोग इसको क्या बच्चों, कैपिटल N, कैपिटल N बच्चों 29, एंड समेशन fx है बच्चों कितना, 237.5 बराबर बच्चों। सो x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन कैपिटल N बच्चों, 237.5 अपॉन 29 बच्चों, राइट, 29 से डिवाइड करना बच्चों, 237.5 डिवाइड बाय 29 बच्चों, इट गेट बच्चों 8.1896 है बच्चों। अब कैसे करोगे बच्चों, देखो 5 से ज़्यादा ना बच्चों, 5 से ज़्यादा एक ऐड कर दो, 8.19 दैट विल बिकम ना मोर देन 50 पैसे, वी हैव टू बी राउंड फिगर। सो अगर 5 से ज़्यादा है बच्चों, सो एक पीछे वाले को ऐड कर दो, ये आ गया बच्चों। तो मीन कितना आ गया बच्चों, 8.19, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों किसी को, ओके। दूसरा पार्ट देखते हैं, मीडियन वाला पार्ट बच्चों, मीडियन। अब मीडियन सेकंड पॉइंट है बच्चों, तो उसको कैसे करेंगे, इसके लिए पहले एक्स और एफ फाइंड कर लो बच्चों, एफ मीन्स राइट ऑन, सो 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 एंड 15, ओके। क्या करोगे बच्चों, पहले आप लोग 3 9 6 4 2 5, चलिए सिमरन जी आपका सवाल आ गया बच्चों। सिमरन पहले हम लोग CF फाइंड करते हैं, सिमरन की संजना, सॉरी संजना जी, पहला जो 3 है ना बच्ची, तो इसको 3 को ऐसा लिख दो यार, ओके। अब ये 3 और 9 क्या हो जाए, इसको ऐड करना है, तो 12, आप क्या कर रहे बच्चों, आप इसको ऐड करो, 3 और 9 12 हो गया बच्चों, फिर आप 9 और 6 को ऐड करके 15 लिख रहे हो बच्चों, फिर 6 और 4 को ऐड कर 10, नहीं ऐसा नहीं करना है, 3 पहले लिखिए बच्चों आप, 3 प्लस 9 12 हो गया ना, अब ये 12 के अंदर 6 को ऐड करना है, 12 के अंदर 6 को ऐड करना है, तो 12 एंड 6 18, अब 18 के अंदर ये 4 को ऐड करना है, 18 प्लस 4 22,
22 प्लस 2 24 29 ऐसा। पहला वैसे लिखो बच्चों, अब 3 प्लस 9 12 ये आया ना बच्चा आंसर। उसके अंदर नेक्स्ट आइटम ऐड करना है, 12 प्लस 6 18 18 प्लस देखने नेक्स्ट नंबर 24 दैट इज 22 22 प्लस 2 24 24 प्लस 5 29। सर मालूम बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो सी एफ लिख रहे बच्चों हम लोग, तो फर्स्ट नंबर कंटिन्यू लिखना है बच्चों, उसके अंदर सेकंड नंबर को ऐड करना है, फिर जो टोटल आएगा उसमें थर्ड नंबर ऐड करना है, फिर जो टोटल नेक्स्ट एवरी नेक्स्ट एलिमेंट विल बी एडेड टू द टोटल, ये जो टोटल कर रहे हो बच्चों उसमें ऐड करना है। होगा पहला 3 लिख दो, 3 प्लस 9 कितना 12 ना, अब 9 में नहीं ऐड करना है, 12 में ऐड करना है, किसको 6 को 18 18 प्लस 4 22 22 प्लस 2 24 24 प्लस 5 ऐसा। ओके बच्चों ठीक है, ये आ गया सी एफ। सर मारो बच्चों, और ये लास्ट नंबर को बोलते हम लोग एन बच्चों, दैट इज कॉल्ड एन। ओके अब क्या करते हैं हम लोग, एन अपॉन टू फाइंड करते हैं, तो 29 अपॉन टू कितना है, 2 1 2 2 4 8 14.5 आएगा बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, ये नंबर से बड़ा नंबर कौन सा बच्चों, इससे ग्रेटर नंबर लेना है बच्चों हम लोग को, कौन सा ग्रेटर नंबर है बच्चों, 18 ग्रेटर, सर 22 भी फर्स्ट टाइम कौन सा ग्रेटर आ रहा है, 18 आ रहा है बच्चों, सो 18 इज ग्रेटर देन योर 14.5 ठीक है। तो बच्चों 18 इज ग्रेटर ना, बस तो उसके सामने देखो बच्चों एक्स का क्या था वैल्यू 7.5, तो एक्स का वैल्यू 7.5 वही हो गया बच्चों मीडियन। बराबर बच्चों, तो ये एन आया बच्चों, एन अपॉन टू निकालो 14.5। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जो 14.5 है वही मीडियन लिख रहे हो, ये मीडियन है, ये मीडियन नहीं है बच्चों, ये आंसर से हमको चेक करना है कि इसके अंदर कौन सा हायर, इससे हायर कौन सा है 18, 18 के सामने जो एक्स का आंसर बच्चों वो मीडियन है। ओके पहले आप क्या करो, सी एफ फाइंड करो बच्चों, सी एफ लास्ट आंसर को एन बोलते हैं, तो एन अपॉन टू 14.5 आ गया बच्चों। अब ये नंबर से ग्रेटर कौन सा बच्चों, 18, 18 के सामने जो आंसर बच्चों दैट इज आवर मीडियन ठीक है, हो जाएगा। चलो बच्चों आप लोग सरप्राइज हो, सब वापस ये सब स्टेप का सम कर रहे हैं, हाँ एक दो बच्चों का थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, मैं इसलिए उसको करेक्शन करने के लिए कर रहा हूँ। ओके कैलकुलेट मीन एंड मीडियन बच्चों, कैलकुलेट मीन एंड मीडियन ठीक है। चलो तो पहले क्या करते बच्चों, मीन के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, मीन मतलब बच्चों एक्स बार, तो एक्स बार के लिए सिंगल डेटा बच्चों, समेशन एक्स अपॉन एन, याद है बच्चों एकदम स्टार्टिंग में मीन जब कर रहे थे तो स्मॉल एक्स सिंगल एक्स बच्चों अपॉन स्मॉल एन लिखते हैं बच्चों को, एक्स का टोटल करना है तो 3.5 प्लस 1.2 प्लस 6.9 4.6 प्लस 8.1 प्लस 3.2 प्लस 0.9 प्लस 8.3 प्लस 5.4 अपॉन एन कितना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन बच्चों 3 6 9 और एक ले लेते बच्चों 7.4 ले लेता हूँ बच्चों 10। ओके बच्चों सबको ऐड करना है बच्चों, पहले 3.5 प्लस 1.2 प्लस 6.9 4.6 8.1 3.2 0.9 8.3 5.4 7.4 49.5 बच्चों अपॉन 10 4.95 ये आ गया बच्चों आपका एक्स बार आया ठीक है बच्चों। अब मीडियन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बच्चों, मीडियन कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग, मीडियन
टेल टेल, तो मेंटेन करने के लिए पहले बच्चों हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बच्चों, असेंडिंग मतलब बच्चों लोअर अमाउंट, सबसे लोअर कौन सा बच्चों, पहले 0.9, फिर क्या है बच्चों 1.2, छोटे से बड़ा लिखना है बच्चों, तो पहले 0.9 फिर 1.2 बच्चों, ओके। फिर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग 1.2 के बाद 3.2, फिर 3.5, फिर 4.6, फिर 5.4, 6.9, देन बच्चों 7.4, देन 8.1 और फिर 8.3, ओके बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लिखना बच्चों। अब कितना नंबर था बच्चों, 10 ना, 10 इवन नंबर है बच्चों, 10 तो n अपॉन 2 निकालने का, पहले n कितना है 10 ना, 10 क्या बच्चों इवन है ना, सम विषम मालूम है ना बच्चों, तो 10 इवन है, ओके। तो क्या आएगा बच्चों, हमने पहले n अपॉन 2 निकालते हैं, तो 10 अपॉन 2 क्या है बच्चों, 10 अपॉन 2 दैट इज 5 है ना, फिफ्थ टर्म, सो मीडियन इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ है बच्चों तो पांचवा और छठा वैल्यू बच्चों, अपॉन 2 कर दे बच्चों। अब ये 5 और 6 नहीं बच्चों, ये आंसर नहीं अपना मीडियन, ये आंसर नहीं है बच्चों, पांचवा वैल्यू इधर देखने का 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ वैल्यू दैट इज 4.6, सिक्स्थ वैल्यू 5.4 अपॉन 2, दोनों को ऐड कर दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा 46, 50, 100 अपॉन 2, 5.0 है बच्चों, दैट इज 5, तो मीडियन इक्वल टू आ गया 5 बच्चों। सर 5 तो आया, वही तो 5 ले रहे थे, एक कोइंसिडेंस है बच्चों कि वो 5 आ गया, ओके ना, जरूरी कि वही, तो हमेशा बच्चों ये जो फिफ्थ, ये फिफ्थ वर्ड था मतलब फिफ्थ वैल्यू टी एच यानी पाँचवा वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, थर्ड वैल्यू क्यों बच्चों, वो वैल्यू इधर पे, इधर देखने वो प्लेस, वो नंबर पे कौन से प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है, फिफ्थ प्लेस पे कौन सा आ रहा है 46, 4.6, सिक्स प्लस पे 5.4, दोनों का एवरेज। अगर बच्चा एन इक्वल टू 11 होता था, ओके ना, तो क्या करते बच्चे हम लोग, एन प्लस 1 अपॉन 2, 11 प्लस 1 अपॉन 2, 11 प्लस 1 12, 12 अपॉन 2 मतलब सिक्स वैल्यू बच्चे, सिक्स वैल्यू कौन सा था 5.4, तो मीडियन इक्वल टू 5.4 बस, ये आंसर नहीं होता बच्चों, ये अपने को बताता है कौन से पोजीशन का नंबर लेना है अपने को, सिक्स आया तो सिक्स पोजीशन का आंसर आएगा, फिफ्थ आया तो फिफ्थ पोजीशन का आंसर लेना बच्चों, ऐसा समझता बच्चों, संजा आपको समझ में आ रहा साहब, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ये एन था बच्चों इवन नंबर था, तो इवन नंबर था क्या किया एन अपॉन टू, तो टेन अपॉन टू मतलब फाइव, तो फिफ्थ वैल्यू और उसके आगे क्या था बच्चों सिक्स्थ वैल्यू, 5 + 6 ये आंसर नहीं है बच्चों, फिफ्थ वैल्यू है, तो उसमें चेक करें फिफ्थ जब पोजीशन में क्या है, फिफ्थ पोजीशन में क्या बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ पोजीशन पे आपका 4.6 है बच्चों और सिक्स पोजीशन पे 5.4 है बच्चों, और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 बच्चों, कर सकते बच्चे लोग, ओके। चलो बच्चों कैलकुलेट मीडियन, कैलकुलेट मीडियन बोला बच्चों, ओके। डेली इनकम रुपीज़ दिया बच्चों 500, 1 to 600, 600, 1 to 7 ऐसा दिया बच्चों, ओके। और नंबर ऑफ वेंडर्स, वेंडर मतलब बच्चों भाजी बेचने मतलब बेचने वाले से सामान बच्चों, दुकानदार, व्यापारी, ओके, शॉपकीपर, 30 सब दिया है। मीडियन में क्या अच्छे थे बच्चों हम लोग को, पहले क्लास कंटिन्यूस लगाने वाले, कंटिन्यूस होना चाहिए ना, 501 to 600 बच्चों, 600 to 601 आ रहा बच्चों, गैप आ रहा ना एक का, तो अपना क्लास कैसा होना चाहिए बच्चों मेडियन के लिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ओके। कल बताया था बच्चों कुछ कंटिन्यूस क्लास के बारे में, तो 501 to 600, 601 to 700 बच्चों।
डेली इनकम। अच्छा दिया बच्चों नंबर ऑफ विंटर, फाइव हंड्रेड वन टू सिक्स हंड्रेड, सिक्स हंड्रेड वन टू सेवन हंड्रेड, सेवन हंड्रेड वन टू एट हंड्रेड, एट हंड्रेड वन टू नाइन हंड्रेड, नाइन हंड्रेड वन टू थाउजेंड, इलेवन हंड्रेड, थर्टीन फिफ्टीन ट्वेल्व एट सिक्स टेन। ओके चलिए बच्चों हम लोग डेली इनकम एंड नंबर ऑफ विंटर, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, क्लास फाइंड करना है। कंटिन्यूस क्लास चाहिए बच्चों को, क्लास तो दिया है बट कंटिन्यूस नहीं बच्चों, तो वी नीड अ कंटिन्यू। कैसे बनाते हैं बच्चों कंटिन्यूस, कौन बताएगा मेरे को? सूरज बताओगे कंटिन्यूस क्लास कैसे आता है? पहले का अपर लिमिट था ना बच्चों, दूसरे का लोअर लिमिट, ये दोनों का डिफरेंस, सेकेंड का लोअर था बच्चों, फर्स्ट का अपर था, तो अपर इसका लोअर दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का बच्चों? वन का ना, डिवाइड बाय टू, तो 0.5। याद आ रहा बच्चों कुछ? हम लोग फर्स्ट का अपर और सेकेंड का लोअर दोनों का बीच का डिफरेंस लेते थे बच्चों, और डिफरेंस लेके टू से डिवाइड करते थे, 0.5। 501 माइनस 0.5 बच्चों, तो 500.5 आएगा बच्चों, और ये क्या आएगा जो 600.5, 600.5, 700.5, 700.5, 800.5, 900.5, 905, 1000, 1000.5, 1100.5। समझ आया बच्चों कैसे हुआ था ये? हम लोग क्या करते हैं, एक आ गया बच्चों धीरे धीरे से आएगा, लोअर लिमिट में लेस करना बच्चों, तो वन है तो वन में से 0.5 लेस कर तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा बच्चों, और इधर 0.5 ऐड करना बच्चों, पहले वाले में से बच्चों 0.5 लेस करना, अगर नहीं लेस करना होता तो लेस कर लो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। 501 माइनस 0.5, 500.5, सर 600, ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा बच्चों, 600 उसमें क्या करना, ऐड करना था, ऐड 0.5, 600.5, एक आ गया था, अपने आप आठ मिनट आएगा बच्चों, 605 हो गया, ए 700 में ऐड किया 700.5, फिर उसको कंटिन्यू कर दो बच्चों। ओके तो आपका क्लास कंटिन्यूस चाहिए था बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों नंबर ऑफ विंडो क्या बच्चों? एफ बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सी एफ। संजना जी सी एफ बता दो कि बच्चों सी एफ सब में चाहिए बच्चों। हाँ अभी मैंने कल बोला था बच्चों आपको, अभी क्वार्टाइल है, परसेंटाइल, डिसाइल, वो सब में भी बच्चों सी एफ चाहिए हम लोगों को, तो सी एफ ही रॉन्ग हो गया तो सब रॉन्ग हो गया बच्चों। पहला 13 लिखो यहाँ पर, 13 में 15 ऐड करना है, 28 में 12 को ऐड करना है, 28 प्लस 12 48, 54, 64, ठीक है बच्चों। पहला वैसे लिख कैरी करो, कैरी करके 13 प्लस 15 28, 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 8 48, 48 प्लस 6 ओके ठीक है बच्चों। लास्ट का नंबर क्या बच्चों? एन। तो क्या करेंगे पहले हम लोग? एन बाय टू। ओके तो एन बाय टू कैसे आएगा बच्चों? 64 अपॉन टू, तो 32 आ जाएगा। क्या करते हैं बच्चों इसे हम लोग? इससे ग्रेटर नंबर चेक करते हैं, कौन सा ग्रेटर नंबर है बच्चों? 40 ना, 40 इज ग्रेटर देन 32, ऐड है बस बच्चों। तो आपका मीडियन क्लास क्या आ गया बच्चों? मीडियन क्लास आ गया 700.5 माइनस 800.5 ना, रहा बच्चों क्या आएगा बच्चों? ये क्या बच्चों बोलो जल्दी? L1। ये क्या बच्चों? L2।
L1 है, L2 ना बच्चों राइट है। चलो उसके बाद क्या करते हैं बच्चों हम लोग, ये क्या था, F था। अब कोई CF बोलेगा तो मैं उसको चॉकलेट दूंगा, ऑनलाइन चॉकलेट। कौन सा चॉकलेट दूंगा ऑनलाइन? CF कौन सा आएगा? 40। सूरज तेरे को बड़ा चॉकलेट दूंगा फिर, 28 होता है। CF हमेशा पीछे वाला नंबर लेना है। ओके चलो बच्चों बस सब तो आ गया बच्चों। फार्मूला कौन बोलेगा? कविता बोलेगी फार्मूला। मीडियन इक्वल टू टेल टेल L1 प्लस L2 माइनस L1 राइट है, N/2 माइनस CF अपॉन F बराबर। बच्चों बराबर है ना? मेरे को फार्मूला याद नहीं आया, रॉन्ग हो गया तो आप जिम्मेदार रहोगे। L1 700.5 प्लस L2 800.5 माइनस L1 700.5 N/2 कितना था बच्चों? 32। CF कितना है? 28 अपॉन F है 12 राइट बच्चों। 700.5 प्लस इसको लेस करो बच्चों, कितना आएगा लेस करो तो 100 आएगा बच्चों। ए बच्चों 4 अपॉन 12 700.5 उसको सॉल्व कर दो बच्चों, 400 डिवाइड बाई 12 33.33 आया। यस 33.33 आ रहा है बच्चों। 700.5 प्लस 33.33 733.83 आ गया बच्चों। इधर क्या दिया बच्चों? डेली इनकम रुपीस दिया बच्चों। देयरफॉर मीडियन क्या आ गया बच्चों आपका? मीडियन इक्वल टू 733.83 रुपीस। समझता बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं? तो मीडियन के लिए पहले हम लोग को क्लास निकालना बच्चों। क्लास आपका कंटिन्यूस नहीं है बच्चों, तो कंटिन्यूस क्लास निकालेंगे। कल मैंने बताया था बच्चों कंटिन्यूस क्लास कैसे करते हैं। याद है बच्चों? बस बच्चों बाकी सब तो नॉर्मल ही है। N/2 फाइंड करो, मीडियन क्लास आ गया बच्चों। L1 L2 F एंड CF ठीक। फार्मूला अप्लाई करो बच्चों, ये ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले, ये ब्रैकेट सॉल्व करो बच्चों, ये पूरे को सॉल्व करके बाद में इसको क्या करना है, ऐड करना है बच्चों। ओके चलो बच्चों हम लोग मीडियन का ये लास्ट सम कर रहे हैं बच्चों। ओके वीकली एक्सपेंडिचर रुपीज बच्चों, हफ्ते का खर्चा बच्चों। अब दिया बच्चों 800 to 890, फिर 900 to 990, 1000 to 1090, 1100 to 1190 ऐसा दिया बच्चों। क्या बच्चों क्लास कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यू बच्चों? क्लास कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यू दोनों सेम है क्या बच्चों? 890 पे ख़त्म हो रहा है तो 900 पे चालू हो रहा है बच्चों, 990 पे ख़त्म हो रहा है 1000 चालू हो रहा है बच्चों। तो ये क्या बच्चों? डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू नहीं है बच्चों। तो वी हैव टू डू द कंटिन्यूस। ओके बच्चों मीडियन निकालना बच्चों, कैलकुलेट मीडियन ठीक है बच्चों। चलो सो वीकली एक्सपेंडिचर और ये था बच्चों नंबर ऑफ फैमिलीज। वी गॉट 800 to 890, 900 to 990, 1000 to 1190, 1200 to 1290, 1300 to 1390, 16, 25, 20, 14, 13, 7। चले बच्चों अभी कैसे करोगे बच्चों? कौन बताएगा मेरे को? मैं नहीं बताऊंगा कुछ, आप बताओ। दीपा बता पाओगी आप कैसे करेंगे इसको बच्चों? कंटिन्यूस है क्या ये? कंटिन्यूस है बच्चों? नहीं है ना। पहले का अपर दूसरे का लोअर लेते हैं बराबर दीपा जी। पहले का अपर दूसरे का लोअर कितने का डिफरेंस है सोनम? डिफरेंस कितने का इसमें? 10 का गैप है ना बच्चों, जो 10 का गैप है बराबर है 10 का गैप। राखी क्या करोगे आप? डिवाइड बाय 2 तो आएगा 5 बराबर। पहले फर्स्ट का अपर सेकेंड का लोअर का गैप लेते हैं बच्चों, डिफरेंस
और डिफरेंस में हमेशा टू से ही डिवाइड करना बच्चों, फाया। अब लोअर में लेस कर दो, अपर में ऐड कर दो बच्चों, ओके। सो यू गेट क्लास बच्चों 800 माइनस फाइव तो 795, राइट। और इसमें ऐड कर दो 895, ये बच्चों 895 बराबर 1000 में से 5 लेस करो तो 995, ये 1095 1095 1195 1295 1295 1295 1395, ओके। दैट इज वी गॉट अ क्लास, राइट बच्चो। अब जब क्लास आ गया बच्चों तो आप क्या करेंगे बोलो, नहीं बोलोगे मत बोलो भाई, मैं तो बोलूँगा, मेरे को तो काम है बोलना। सी एफ 16, समझना, आप समझ में आ रहा है क्लास कैसे सी एफ कैसे निकालते हैं बच्चे, बराबर देखो हाँ, क्योंकि ये गलत हो गया बच्चों तो पूरा ही गलत होएगा, ओके। तो पहला 16 16 प्लस 25 16 प्लस 25 41 बच्चों। अब ये जो टोटल किया ना उसमें ऐड करना है बच्चों, 41 प्लस 20 61 61 प्लस 75 75 प्लस 88 88 प्लस 7 95, ऐसा बच्चों, बराबर बच्चों। ये आगे लास्ट का कैपिटल एन बच्चों, ठीक। सुड़ाएगो बच्चों, चलो तो आपका एन बाई टू 95 अपॉन 2, तो कितना आएगा बच्चों, 2 7 जा 40 2 4 जा 8 1 2 7 जा 47 47.5 है बच्चों। इससे ज़्यादा कौन सा नंबर है बच्चों, इससे ग्रेटर नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 41 दिख रहा है, 61 दिख रहा है बच्चों, 61 इज अ ग्रेटर, ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्लास है बच्चों, ठीक है। तो मीडियन क्लास क्या आ गया बच्चों, मीडियन क्लास 995 2095, ओके। एल वन कितना है 995, एल टू 1095, राइट। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों लोग, नहीं बोलोगे, एफ एफ कितना बच्चों 20, और सी एफ कौन सा लेते हैं बच्चों, हमेशा ऊपर वाला लेंगे बच्चों 41, ओके। बस बच्चों फार्मूला लिख दो, मीडियन इक्वल टू एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन, एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, राइट है। एल वन कितना बच्चों, एल वन 995, एल टू 1095 माइनस 995, एन बाई टू कितना था बच्चों 47.5, सी एफ है 41 अपॉन एफ, सो 995 इसको लेस के कितना आएगा बच्चों, ये 106.5 अपॉन 20, कितना आएगा बच्चों 32.5, 100 × 6.5 / 20, 32.5, तो 32.5 बच्चों ऐड 995, 1027.5, क्या दिया था बच्चों, रुपीस दिया था, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 1027.5, रहा बच्चों। तो बच्चों उन्होंने मीडियन कंप्लीट किया बच्चों, ओके। सो वी हैव कंप्लीट बच्चों मीन एंड मीडियन बच्चों। अगर मीडियन आएगा बच्चों तो मीडियन के हिसाब से बच्चों मेरे को क्वार्टाइल और परसेंटाइल और डिसाइल है बच्चों, वो आएगा। मीडियन नहीं आया बच्चों तो आगे का वो वाला भी नहीं आएगा फिर, ओके। तो ध्यान रहे, तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे बच्चों, कुछ डाउट है तो बताओगे।